छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार गृह मंत्री तामधर साहू के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में भी भारत जोड़ो पदयात्रा गुरुवार को रिसाली नगर निगम क्षेत्र में निकाली गई। पदयात्रा के दौरान गृह मंत्री तामधर साहू ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता के तनाव को खत्म करने और भारत को जोड़ने तथा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने पदयात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत तोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार केंद्र सरकार भी भारत को तोड़ रही है। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए और देश में महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया। आज की महती आवश्यकता है भारत जोड़ो अभियान जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया है, क्योंकि 8-9 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार को, जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, वो अलग अलग समाज को तोड़ने का, बिखेरने का, तो राजनीतिक दलों को समाप्त करने का, खरीदी बिक्री का, जो केंद्र की संस्थाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की उसके स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका निर्विवाद रही है, उसको हस्तक्षेप करना, तो जितना भी वो कर रहे हैं वो सब भारतवर्ष को तोड़ने का काम है। इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो नारा देके पूरा पद यात्रा रखे हैं, 5 महीने का, 150 दिन का लगातार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अभी 4 तारीख को महंगाई के विरोध में हल्ला बोल रैली का भी आयोजन हुआ, दिल्ली में जबरदस्त भीड़ थी, रामलीला मैदान खचाखच भरा था, बाहर में भी उतनी भीड़ थी, लोगों में नरेंद्र मोदी की सरकार के अगेंस्ट में जबरदस्त वातावरण है, और उसी लिए पूरे देश में जन जागरूकता अभियान के रूप में भारत जोड़ो का नारा देके पद यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में चूंकि आज राहुल जी वहाँ पद यात्रा कर रहे हैं, तो हर ब्लॉक में हम लोग भी सांकेतिक पद यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। बताया ना मैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन जाएगा यात्रा, पूरा देश जैसे हमेशा कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो वहाँ तक यात्रा जाएगा। ध्रुव ग्रामीण में आज तो सांकेतिक कर रहे हैं, फिर पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार अगला कदम उठाएंगे।